हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली हम जी पावर पे पहुंच गए हैं। जी पावर एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रैंक फॉल, जो जर्मनी से है, इन्होंने बनाया और ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आप इनकी साइट पे चले जाइए, gpower.hhu.ee। यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा नीचे, gpower 3.1। दिस इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैक के लिए भी अवेलेबल है। जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो फाइनली इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में तीन चार चीज़ें हैं, ये इंटरफेस है। यहाँ पर तीन चार ऊपर मेनू हैं, वही चीज़ें लगभग नीचे गिवन हैं। तो ये पहले आपको बताता है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वेयर टेस्ट, रिग्रेशन, इन सब पे इसके अलग अलग देता है। हर एक टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक टी के अंदर टू इंडिपेंडेंट सैम्पल करना है, पेयर्ड है या कौन से करेंगे। दो तरह की चीज़ें हैं इसमें, मतलब हैं तो पाँच, पर हम दो यूज़ करेंगे। एक तो है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक का मतलब है मेरा काम हो चुका है, मेरी एनालिसिस हो चुकी, अब मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उसमें पावर कितनी आई है मेरे डाटा के साथ। या अप्रायरी, मुझे पहले से पता है कि मेरा अल्फा कितना है और मैंने सैम्पल साइज क्या लूँ मैं, मतलब यहाँ क्वेरी है मैं क्या सैम्पल साइज लूँ जो इतना अल्फा, इफेक्ट साइज और बीटा अगर मुझे नॉन हो तो सैम्पल साइज कितना है। तो इसका मतलब ये सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है वर्ल्ड वाइड, और पोस्ट हॉक करने के बाद पावर कितनी आई, कंप्यूट द अचीव्ड पावर, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली दो चीज़ हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। तो ये तो हमारा टेस्ट है, पावर है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक इनपुट है और एक मेरे पास आउटपुट है। तो पहला तो हम जनरली टू टेल्ड पे काम करेंगे। इफेक्ट साइज अपने को पता होना चाहिए, आपको नहीं, मुझे तो नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। तो अगर आप पोस्ट हॉक काम कर रहे हैं, आपके पास आउटपुट है, तब एक काम करें, डिटरमाइन पे क्लिक करें, ये नई विंडो खुल जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है विंडो। ये पूछेगा, अच्छा आपका जो आपने काम किया टी टेस्ट की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, वो सेम थे या नहीं थे? अगर नहीं थे तो उनके मीन बताओ, स्टैंडर्ड बताओ उसमें क्या आया, और अगर सेम है तो उनके मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ आपको उनका सैम्पल साइज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन देके कैलकुलेट बटन दबाइए, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा और कैलकुलेट द ट्रांसफर इनटू द मेन विंडो। तो ये मेन विंडो में यहाँ आ जाएगा वैल्यू। अल्फा रफली 0.05 रखते हैं। पोस्ट हॉक कर रहे हैं तो मतलब आप एनालिसिस तो कर चुके हैं, सैम्पल साइज आपको पता होगा इनका, वो रख के कैलकुलेट पे क्लिक करें, यहाँ आपका पावर निकाल देगा। ये पहला तरीका है। सेकेंड, हम इसका यूज़ कर सकते हैं अप्रायरी। अप्रायरी में कंप्यूट द रिक्वायर्ड सैम्पल साइज गिवन अल्फा, पावर एंड इफेक्ट साइज। तो यहाँ पे अल्फा तो जनरली 0.05 रखते हैं, पावर मिनिमम 80% रखते हैं 0.8, और इफेक्ट साइज आपको देखना होगा कितना इफेक्ट साइज आप रखना चाह रहे हैं। तो आप एक काम करें, इसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर को। इसकी कुछ और चीज़ें हैं कि कितने तरह के टेस्ट हैं, इनके अल्फा, बीटा, सैम्पल साइज, इफेक्ट साइज, इनके आपस में क्या रिलेशन है, ये सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।